नमस्कार, मैं आशीष पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। एक यूपी पीसीएस की नई भर्ती को लेकर काफी एक विवाद पड़ा हुआ है, काफी समय से ये भर्ती नहीं आई है, तो इस भर्ती को क्या इलेक्शन के बाद हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि आयोग इस भर्ती को कराना चाहता है, उसके पास रिक्त पदों की संख्या भी आ चुकी है, लेकिन कुछ विवादों के चलते ये भर्ती देखने को नहीं मिल रही है। तो इलेक्शन के बाद जाहिर सी बात है एक चांस है कि हमें इस बीईओ खंड शिक्षा अधिकारी की भर्ती देखने को मिलेगी। तो क्या कारण है कि क्यों अभी तक ये भर्ती नहीं आई, और जब पहले आई थी 2019 में, 2019 के बाद ये भर्ती हमें देखने को नहीं मिली है। 309 पदों के लिए आपकी ये भर्ती आई थी 2019 में, और उसके बाद से 2023 में इसके रिक्त पदों की संख्या दे दी गई थी, लेकिन आहारताएं कुछ शैक्षिक आहारता थी जिसके कारण ये विज्ञापन जो है इसका जारी नहीं किया गया, और अभी भी वो स्थिति बनी हुई है। हो सकता है कि इलेक्शन, क्योंकि इलेक्शन के बाद आप समझ लीजिए कि इलेक्शन के बाद लोक सेवा आयोग को बहुत सारी भर्तियां कंप्लीट करानी है जिसमें इसका भी डेट आरक्षित है, बस ये जो माजरा है आपका आहारता वाला वो क्लियर हो जाए, तुरंत ये विज्ञापन आयोग के द्वारा निकाल दिया जाएगा। काफी समय से इस भर्ती का इंतजार है बच्चों का। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के खंड शिक्षा अधिकारी बीओ भर्ती का इंतजार लंबा होता जा रहा है, रिक्त पदों का अध्याचन मिलने के बाद भी आयोग बीओ की भर्ती अधिसूचना जारी नहीं होने के पीछे समकक्ष आहर्ता विवाद की बड़ी वजह माना जा रहा है। हल्की प्रतियोगी यह उम्मीद भी जता रहे हैं कि चुनाव के बाद आयोग विज्ञापन जारी कर प्रतियोगियों का इंतजार खत्म कर सकता है। इससे पहले कोविड 2019 में बीओ के 300 से अधिक पदों पर भर्ती हुई थी, इसमें 5,28,000 बच्चों ने आवेदन किया था। अब नई भर्ती का इंतजार करते हुए 5 वर्ष का समय बीत गया है, अभ्यर्थियों को बीओ की भर्ती शुरू होने की प्रतीक्षा है तथा हजारों अभ्यर्थी भर्ती के लिए निर्धारित उम्र पार कर बाहर हो चुके हैं। प्रतियोगी छात्र प्रशांत पांडे का कहना है कि पदों का अधियाचन मिलने के बाद भी भर्ती शुरू नहीं होने के कारण अभ्यर्थी परेशान है, प्रतियोगियों की भर्ती से जुड़ी स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पा रही है, जल्द भर्ती नहीं आई तो उम्र सीमा पार करने वाले प्रतियोगियों की संख्या बढ़ सकती है, और समकक्ष आहर्ता को लेकर संशय की स्थिति के कारण ही आयोग विज्ञापन नहीं जारी कर रहा है। दूसरी ओर आयोग ने अपने वार्षिक कैलेंडर में स्पष्ट उल्लेख किया है कि खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती के लिए शासन स्तर पर समकक्ष आहर्ता के निर्धारण के बाद ही आरक्षित तिथियों पर परीक्षाएं कराई जाएंगी। ये कंफर्म है कि जो कैलेंडर में आरक्षित तिथि है उसी पर कहीं ना कहीं ये खंड शिक्षा अधिकारी के विज्ञापन और एग्जाम डेट होंगे, लेकिन मेन है, सबसे बड़ा पेच फंसा है, वो है समकक्ष आहर्ता की। वो समकक्ष आहर्ता अब शायद वो बीओ में जानते ही हैं कि बीएड मांगता और एलटी डिप्लोमा, अब इन्हीं सब चीजों से कुछ समकक्ष आहर्ता है जो अभी भी ये पेच फंसाया हुआ है। रिक्त पदों की संख्या भी आयोग के पास आ चुका है, बस ये जैसे ही क्रिस्टल क्लियर होता है वैसे ही ये वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। तो इतना जानिए कि आने वाले समय में हो सकता है 1 महीना 2 महीना 3 महीना जो भी लेट हो, जब तक ये क्लियर ना हो, लेकिन इलेक्शन के बाद, अभी तो इलेक्शन से पहले तो कुछ भी नहीं हो सकता, इलेक्शन के बाद आपको कहीं ना कहीं ये भर्ती देखने को मिलेगी। मतलब ओवरऑल हम कहें तो इस साल आपको बीओ को देखने का मिलेगा, आपके जो है प्रवक्ता की जो भर्ती है वो भी आपको देखने को मिलेगा। तो यूपी पीसीएस को इस बार काफी भर्तियां करानी है, तो जो लोग भी तैयारी में लगे हुए हैं यूपी पीसीएस में, जैसे आरओ हुआ, आप समीक्षा, उसके बाद से आपका पीसीएस हुआ, पर उसके बाद से और जो आपके एलटी वाली वैकेंसी है उनके लिए भी लगे हुए हैं, तो आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, पढ़ाई को ना डिस्टर्ब करिए, क्योंकि जाहिर सी बात है कि इन सभी भर्तियों में कहीं ना कहीं आपको वो चीजें देखने को मिलेगी जो आयोग के सिलेबस में होता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो बाकी जैसे ही कोई नया अपडेट आएगा जरूर मैं आपके समक्ष आऊंगा। इसी प्रकार के नए अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बाकी किसी भी चीज की कोई समस्या है तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके समस्याओं का समाधान किया जाए। चलिए इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।